आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्मेलन में कहा भारत की ईस्ट एक्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान का है अहम स्थान। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से पहले प्रधानमंत्री ने अखबारों में लिखा लेख, ग्लोबल साउथ, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर रखे अपने विचार। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिया शहर की तैयारियों का जायजा, सम्मेलन के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों व मेहमानों के आने का सिलसिला जारी, 24 घंटे मौसम की निगरानी में जुटा मौसम विभाग। G20 के रंग में डूबा पूरा देश, भव्य तरीके से हुई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम की सजावट, राजधानी दिल्ली में लगाए गए महात्मा गांधी व चरखे के कटआउट। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा वृंदावन से लेकर बद्रीनाथ तक मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मुंबई में दही हांडी का उत्सव बना आकर्षण का केंद्र। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर आपत्तिजनक बयान, भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि को सौंपा ज्ञापन, हेड स्पीच के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की मांग की। यूक्रेन को $1 अरब की सहायता देगा अमेरिका, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने यूक्रेन दौरे पर की घोषणा। विश्व कप क्रिकेट मुकाबलों की टिकटों की भारी मांग देखते हुए BCCI 4 लाख टिकट करेगी जारी, 8 सितंबर की रात 8 बजे से सभी मैचों की टिकटों की बिक्री होगी शुरू। अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने चीन की किंग्स वैन को हराकर लगातार तीसरे वर्ष अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। पुरुष सिंगल्स में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने आंद्रे को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश।